हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की सिक्स क्लास की हिंदी की किताब आओ हिंदी सीखें, दूसरी भाषा सेकंड लैंग्वेज और उसका सातवां पाठ पिल्ले बिकाऊ है। आज हम इस पाठ की चर्चा डिटेल में करेंगे और मुश्किल शब्दों के अर्थ भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर जो नाम दिया गया है पिल्ले, पिल्ले कौन होते हैं? कुत्ते के बच्चे, उनको हम पिल्ले बोलते हैं। चैप्टर शुरू करती हूँ। एक दुकानदार ने अपनी दुकान के बाहर एक बोर्ड लगाया जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था पिल्ले बिकाऊ है। कुछ दिनों में यह बोर्ड आसपास के बच्चों के आकर्षण का केंद्र बन गया। एक दिन एक बच्चा उस बोर्ड वाली दुकान के भीतर अंदर गया और उसने दुकानदार से पूछा, इन पिल्लों की क्या कीमत है? दुकानदार ने उत्तर दिया, पिल्ले की नस्ल और सेहत के मुताबिक उनकी कीमत रखी गई है, जो $30 से $50 के बीच कुछ भी हो सकती है। अब मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर बाहर के देशों में जो करेंसी है वो डॉलर है। तो जैसे हम यहाँ पे 1 रुपया बोलते हैं और 50 पैसा बोलते हैं ना, वैसे ही डॉलर से छोटा जो होता है वो होते हैं सेंट्स। तो आप सेंट के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है? जैसे यहाँ दिया हुआ है $2.37, तो इसको ऐसे करके लिखते हैं। जैसे हम लिखते हैं 1 रुपया और 50 पैसे ना, वैसे ही इसको लिखते हैं। यहाँ पर नस्ल का मतलब होता है जाति या किस्म कह सकते हैं, और सेहत का मतलब तो आप सबको पता ही है, वो होता है स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य के हिसाब से इनकी कीमत जो है वो 30 से 50 डॉलर के बीच में रखी गई है। तो इस बात पर उस बच्चे ने अपनी जेब में हाथ डाला और कुछ सिक्के निकाले जो उसके पास थे। मेरे पास फिलहाल $2.37 है, क्या मैं उन्हें देख सकता हूँ? वह दुकानदार मुस्कुराया और उसने सीटी बजाई। सीटी की आवाज सुनते ही लेडी नाम की एक कुतिया माद से निकलकर गलियारों से होती हुई दौड़ी दौड़ी आई। उसके पीछे 5-6 छोटे छोटे पिल्ले भी दौड़ते हुए आए। एक पिल्ला लंगड़ाता हुआ सबसे पीछे चल रहा था। अचानक उस बच्चे की नजर उस अपाहिज पिल्ले पर पड़ी। अब यहाँ पर अपाहिज का मतलब कौन होता है? जिसका कोई अंग खराब होता है। तो उस बच्चे ने पूछा, उसने पूछा, इस पिल्ले को क्या हुआ है? दुकानदार ने कहा, इसके जन्म के समय कुत्तों के डॉक्टर ने मुझे बताया था कि इसका एक कूल्हा पूरी तरह टूट गया है, जिसके कारण यह कभी दूसरे कुत्तों की तरह नहीं चल पाएगा। दुकानदार की बात सुनकर बच्चा या बच्चे की उत्सुकता और अधिक बढ़ गई और उसने कहा, मैं यही पिल्ला खरीदना चाहता हूँ। उत्सुकता मतलब जिज्ञासा। दुकानदार ने उत्तर दिया, नहीं नहीं, मैं जानता हूँ तुम इस पिल्ले को बिल्कुल नहीं खरीदना चाहते। यदि तुम सचमुच इसे लेना चाहते हो तो मैं तुमसे इसकी कोई कीमत नहीं लूंगा। दुकानदार की बात सुनकर बच्चा परेशान हो गया और कुछ सेकंड बाद उसने व्यक्ति की आंखों में आंखें डालकर कहा, मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे इसे यूं ही दे दो फ्री में। ये भी दूसरे पिल्लों की तरह सक्षम है, ताकतवर है, और मैं तुम्हें इसकी पूरी कीमत दूंगा। फिलहाल मैं तुम्हें $2.37 दे रहा हूँ और जब तक इसकी पूरी कीमत नहीं चुकती करता, मैं हर महीने तुम्हें 50 सेंट दूंगा, डॉलर नहीं। उस दुकानदार ने तेज स्वर में कहा, बेटा मैं जानता हूँ कि तुम सचमुच इस पिल्ले का को नहीं लेना चाहते। यहाँ आएगा को। यह दूसरे पिल्लों की तरह ना तो दौड़ सकता है, ना उछल कूद कर सकता है, और ना ही
खेल सकता है, फिर भला तुम इसे क्यों लेना चाहोगे? वह बच्चा नीचे झुका और उसने पैंट ऊपर चढ़ाई ताकि वह दुकानदार को अपनी पोलियो से खराब हो चुकी टांग दिखा सके, जो लोहे की छड़ों के सहारे सीधी खड़ी थी। उसने एक बार फिर उस दुकानदार की तरफ देखा और कहा, मैं दूसरे लड़कों की तरह अच्छी तरह दौड़ नहीं सकता और इस छोटे पिल्ले को भी ऐसे ही किसी माले की आवश्यकता जरूरत है जो इसकी मजबूरी को समझ सके। दुकानदार से कुछ भी कहते नहीं बन रहा था, बोल नहीं पा रहा था। उस नन्हे बालक की बात सुनकर उसकी आंखों से आंसुओं की धारा निकल पड़ी और फिर कुछ देर बाद होठों में मुस्कुराहट भरकर उसने कहा, बेटा, मैं आशा करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इन सभी पिल्लों को तुम्हारे जैसा ही अच्छा मालिक मिले। जीवन में यह कुछ मायने नहीं रखता कि आप क्या हैं और कौन हैं। आपका जीवन तभी सार्थक हो सकता है जब कोई आपकी विशेषताओं की सच्चे मन से सराहना करे, आप जैसे हैं उसी रूप में आपको स्वीकार करे तथा आपसे निस्वार्थ प्रेम करे। सच्चा मित्र वही है जो उस समय काम आता है जबकि सारी दुनिया मुंह मोड़ लेती है। ठीक है, अब इसमें सार्थक का मतलब क्या होता है? सफल। सराहना का मतलब होता है तारीफ करना या आप कह सकते हैं प्रशंसा करना। और वैसे ही निस्वार्थ का मतलब होता है बिना मतलब के। तो ये था आज का पाठ। अगर आपको कुछ सीख मिली तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।